कानपुर में डाक विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। माई स्टैंप योजना के तहत माफियाओं की तस्वीर छप गई है। कानपुर के प्रधान डाकघर से ये टिकट भी जारी हो गए। इसमें कौन है टिकट पर? मुन्ना बजरंगी, छोटा राजन के नाम से टिकट जारी हो गया है। 5 रुपए वाले 12 टिकट छोटा राजन के नाम से जारी है और 5 रुपए वाले 12 टिकट मुन्ना बजरंगी के नाम से जा रहे हैं। 600 रुपए की निर्धारित रकम जमा करने के बाद टिकट जारी किए गए। अधिकारियों ने फोटो की पड़ताल तक नहीं की, किसी प्रकार से प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया। डाक विभाग ने भी कोई प्रमाण पत्र तक नहीं मांगा। तो ये माई स्टैंप योजना के तहत जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अब देखिए डाक विभाग की कैसी लापरवाही की, कोई भी किसी के भी नाम का, किसी के भी फोटो का बिना किसी प्रमाण पत्र के क्या फोटो देख करके निकाल सकता है? वो भी देखिए, गैंगस्टर छोटे राजन का डाक टिकट निकलवा दिया गया, मुन्ना बजरंगी का डाक टिकट बाहर आ गया और तमाम प्रोसेस से वो गुजर भी गया और पता तक नहीं चला। इस मामले में जो कस्टमर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी इस तरह के डिस्प्यूटेड इमेजेस वाले व्यक्तियों का डाक टिकट ना बनवाए। हमारे यहाँ जो जो कर्मचारी है उसको भी इस सब चीज़ों को ध्यान से देखना भी चाहिए था। तो हम लोग इस पर जांच करा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि किस मामले में कहाँ पर क्या हमारे स्तर पर भी कोई गलती हुई हमारे कर्मचारी के स्तर पर, तो हम लोग इस ये आगे सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं की। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, फिर माई स्टैम्प के नाम पर तो मतलब इतनी बड़ी लापरवाही, आप जो भी सफाई सामने आ रही है, कोई कुछ भी किसी का भी फोटो दे करके छपवा करके कोई गैंगस्टर हो कोई हो कोई भी स्टैंप बनवा ले और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? सचिन, निश्चित तौर पे ये उत्कृष्ट भ्रष्टाचार का नमूना है डाक विभाग, क्योंकि बकायदा नियम है कि कोई व्यक्ति अगर डाक टिकट बनवाना चाहता है तो वो वहाँ पे जीवित रहे, यानी वो मौजूद होकर के वेब कैम से अपनी फ़ोटो खिंचवाए, क्योंकि माई स्टैंप योजना के तहत 300 रुपये फीस दे करके 5 रुपये की 12 टिकट आप डाक टिकट बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तमाम कड़े कानून हैं। यानी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा और आपको खुद वहाँ पे मौजूद रह करके वेब कैम के थ्रू अपनी फ़ोटो खिंचानी होगी, तब जा करके आपको आपके लिए वो डाक टिकट बनेगा। लेकिन इस पूरे मामले में न तो किसी कर्मचारी ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली कि वो जिंदा है या मरा है, डॉन है, अपराधी है, माफिया है, किसी तरह का कोई जानकारी लेने का डाक विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की, न जानने का प्रयास किया और सीधे तौर पर पैसे जमा करा कर, यानी 600 रुपये जमा कराने के बाद 5-5 रुपए के 12-12 टिकट जारी कर दिए जाते हैं और उस पर सीधे तौर पे जो व्यक्ति एक तरीके से आपस में मारपीट गोली चला करके उसकी हत्या कर दी जाती है जेल के अंदर, मुन्ना बजरंगी जिसकी मौत हो जाती है, उस व्यक्ति का फोटो स्टैंप पे होता है, छोटा डॉन अंतर्राष्ट्रीय डॉन है उसकी फोटो उस स्टैंप पे आ जाती है। लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं उनका जो रवैया है बिल्कुल कैजुअल है, अभी भी वो इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखेंगे किसकी लापरवाही है, क्या हमारे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है या कोई साजिश के तौर पर यह काम करने का काम किया है या इसमें मिली भगत कर्मचारी और जो बनवाने वाले हैं वो दोनों मिल करके इस तरीके की कारगुजारी करने का काम किए, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जो अपने आप में बताता है कि कितने सजग ये लोग हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और सारे नियम कानून को ताक पे रख करके जो एक तरीके से अपने लिए संग्रह करने के लिए डाक टिकट की व्यवस्था की गई थी उस नियम को एक तरीके से अनदेखी करते हुए और छोटा डॉन और मुन्ना बजरंगी जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, गैंगवार में मारा गया था, उसकी डाक टिकट जारी करने का काम किया है। अब इस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है, अब देखना होगा कि जिस कैजुअल रवैये के तरह वो बातचीत कर रहे हैं उसी तरीके से जांच होती है या वास्तव में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। किसके अंडर आता है ये, कौन इसके लिए कोई जिसे कहते हैं सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया या कोई मंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? देखिए, वीके सिंह हैं जो पोस्टमास्टर जनरल हैं, उन्होंने बयान जारी किया है और इस पूरे मामले में जांच बिठाने का काम किया है कि जो कर्मचारी हैं किस तरीके से लापरवाही की है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट इसके नियम हैं कि जो व्यक्ति जिंदा हो और वो पूरे फॉर्म पे अपना ब्यौरा देने के बाद वो डाक घर आएगा, वेब कैम से अपनी फ़ोटो खिंचाने का काम करेगा, उसके बाद इस पूरे मामले की जाँच होगी, यानी जो पत्र जमा करेगा, आधार कार्ड जमा करेगा, वहाँ पर जो भी अपना आई
आईडेंटिटी प्रूफ जमा करेगा, उस पूरे प्रमाण की जांच होगी और जांच कराने के बाद ही डाक टिकट जारी होंगे। लेकिन इस मामले में न तो कोई जांच हुई, न कोई किसी तरीके का कोई आधार कार्ड प्रमाण पत्र उसने देने का काम किया और डाक विभाग ने सीधे तौर पर डाक टिकट जारी कर दिया। अब इस पूरे मामले में जाँच बिठाई गई है, अब कौन दोषी होगा, कितनी जाँच कहाँ तक जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी आ सकता है कि डॉन का डाक टिकट कैसे छप गया, जब ये नियम है माई स्टैम्प के तहत अगर कोई व्यक्ति की ये एक सुविधा शुरू की गई कि आप अपनी टिकट बनवा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है, एफिडेविट ज़रूरी है, अपनी फ़ोटो आप खुद लीजिए, वहाँ पर किसी अधिकारी ने देखा तक नहीं कि वहाँ पर छोटे डॉन की जो है राजन की इस तरीके से टिकट आ गई। डाक टिकट छपने से पहले ही जाँच क्यों नहीं की गई, और ये ऊपर से लेकर के नीचे तक जहाँ पर पूरे चक्कर बैलेंसेज होते हैं वहाँ पर किसी ने नहीं देखा और इस तरीके से डाक टिकट इशू भी कर गया और ये बाहर भी आ। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।